हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्विस्ट इन तड़का। दिस इज़ प्रिया, योर फ्रेंड एंड योर शेफ। अक्सर आजकल के लाइफस्टाइल में हम लोग बहुत जंक खाते हैं, बहुत अनहेल्दी खाना खाते हैं। मैंने सोचा क्यों ना हम कुछ हेल्दी खाना बनाएं, वो भी घर पे और वो भी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ लहसुन वाले पालक की रेसिपी, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और एकदम हम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे बेबी स्पिनच लिया है, आप चाहे तो कोई भी पालक ले लीजिए। ये 3 कप पालक है, 4 टेबलस्पून ऑफ गार्लिक, 2 टेबलस्पून ऑफ देसी घी, 1 टीस्पून ऑफ जीरा, 1 कप चॉप्ड अनियन, 2 हरी मिर्चें चॉप की हुई, 1 टेबलस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ हल्दी, सॉल्ट एज पर टेस्ट, 1 टेबलस्पून ऑफ बेसन, 1/2 टीस्पून ऑफ गरम मसाला। ये 2 लाल मिर्चें ली हैं मैंने सूखी हुई। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उस पैन में हम पानी डालेंगे। इस पैन में ना तो नमक डालना है ना हल्दी डालनी है, ताकि हम सिर्फ पालक को ही उबाल सकें और पालक का जो हरा रंग है उसको मेंटेन करके रख सकें। अभी हम पानी के उबलने का वेट करते हैं। अब हमारा पानी गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें अपना पालक डाल दूंगी। अब हम अपने पालक को 2 से 3 मिनट तक उबलने देंगे। मैंने एक बर्तन में ठंडा पानी डाल के रखा है और उसमें बर्फ़ डाली है। अभी हमारा ऑलरेडी 2 से 3 मिनट तक पालक पक चुका है, अब हम इसको निकाल के अपनी बर्फ़ वाले पानी में डाल लेंगे। इससे एक तो पालक पकेगा नहीं और इसका कलर भी मेंटेन रहेगा। देखिए, इस तरह से हम डाल के इसको अपने बर्फ़ वाले पानी में डाल देंगे और इसको 2 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा पालक ठंडे पानी में 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको अच्छे से निकाल लेंगे, इसका पानी निकाल लेंगे। और इसको एक बर्तन में रख लेते हैं साइड पे। ये पालक को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, हम इसको 3/4 और 1/4 में डिवाइड करेंगे। ये 3/4 पार्ट हम एक ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे और ये 1/4 पार्ट हम अच्छे से फाइनल चॉप कर लेंगे। जो अब हमारा ये 3/4 हिस्सा है, हम इसको एक ग्राइंडर के जार में डाल लेते हैं और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो हमारा ये पालक अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है, अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, उस कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी डाल देंगे। अब हम इसके घी के गर्म होने का वेट करते हैं। अब हमारा घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे। जब जीरा पक जाएगा तब हम इसमें प्याज डालेंगे। अब हमारा प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें करीब 1 चम्मच बड़ा चम्मच लहसुन डालेंगे, मिर्ची डालेंगे और इनको अच्छे से पकाएंगे जब तक हमारा लहसुन और प्याज अच्छे से पक नहीं जाता। अब हमारा प्याज एकदम भून चुका है, प्याज और लहसुन। अब हम अपने गैस को थोड़ा स्लो कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे बेसन, बेसन को अच्छे से पका लेंगे। बेसन डालने से हमारी पालक की ग्रेवी जो है वो बहुत ही थिक बन जाएगी और उसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब हम जब हमारा पालक पक जाए, अब हम इसमें डाल देंगे ये चॉप्ड पालक जो हमने 1/4 रखा था,
इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, तो हम इसको अभी एक मिनट के लिए ही पकाएंगे। अब हमारी पालक जो है वो पक गई है। अब हम इसमें मसाला डालेंगे, धनिया पाउडर, हल्दी, और इनको दो मिनट के लिए पका लेंगे। जब हमारे मसाले अच्छे से पक जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे पालक की प्यूरी। अब हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी। और इसको अच्छे से उबलने के लिए ढक के रख देंगे ताकि जो हमारा पालक है वो अच्छे से सब मसाले मिक्स हो जाएं उसमें। तो इसको हम 4 से 5 मिनट तक के लिए पकाएंगे। अब हमारे पालक को ऑलरेडी 5 मिनट हो चुके हैं। एक बार खोल के इसको देख लेते हैं। अरे वाह, बहुत ही प्यारा कलर है, एकदम ग्रीन। अब हम इसमें डालेंगे नमक और गरम मसाला। इसको अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट तक पका लेंगे। इसको हम अब हाई फ्लेम पे रख देंगे ताकि ये अच्छे से सब मसाले पक जाएं। अब हमारा पालक रेडी हो चुका है। अब हम अपने तड़के की तैयारी करते हैं। एक पैन में हम देसी घी डालेंगे। इस घी को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हमारा घी गर्म हो चुका है, इसमें हम जीरा डाल देंगे, लाल मिर्ची डालेंगे सूखी हुई, जरा सा बीच में से तोड़ के, बाकी का लहसुन डाल देंगे। ये जो लहसुन का टेस्ट आएगा ना इसमें सब्जी में, वो बहुत ही अच्छा लगेगा। जब हमारा लहसुन ऑलमोस्ट पक जाएगा तब हम इसमें तिल डाल देंगे। अब हमारा जो लहसुन है वो अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें ये तिल डाल देंगे और इसको बस 30 सेकेंड के लिए पकाएंगे, क्योंकि हमने जो अपने तिल है उनको अच्छे से नहीं ब्राउन करना। अब ये सब तड़का हम अपनी सब्जी के ऊपर डाल देंगे। मैं नॉर्मली सारा तड़का नहीं डालती हूँ, मैं थोड़ा सा रख लेती हूँ। जब मैं इसकी प्लेटिंग करूँगी तो मैं थोड़ा सा तड़का ऊपर डालूँगी। तो इसको हम अब मिक्स करते हैं। अब हम अपनी सब्जी को एक बर्तन में निकाल लेते हैं। देखिए, मैंने अपनी सब्जी को एक बर्तन में निकाल लिया है और ये बाकी का बचा हुआ तड़का मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। तो हमारी लहसुन वाली पालक की सब्जी एकदम रेडी है। तो लहसुन वाले पालक की सब्जी रेडी हो चुकी है। इस सब्जी को आप मक्की की रोटी के साथ खाइए तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।